नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना की जानकारी काफी लेट मायके वालों को दी गई। मायके वाले अस्पताल पहुंचे और हंगामा कर दिया। परिजनों ने आरोप लगाया कि उनकी बेटी की हत्या गला दबाकर की गई है। मृतिका के परिजनों ने बताया कि कई बार उनकी बेटी ने बताया था कि ससुराल में उसे प्रताड़ित किया जाता है, लेकिन सामाजिक डर से ससुराल की बात बाहर न बताने की बात कहकर मामले को शांत करते रहे। पीड़िता अपने मायके में रह रही थी, दो दिन पहले ही ससुराल गई जहां उसकी मौत हो गई। दरअसल मामला बिछिया थाना क्षेत्र के महाजन टोला का है, जहां बाणसागर कॉलोनी की रहने वाली सुशीला साकेत का विवाह सत्यदेव साकेत के साथ हुआ था, जिसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। आइए सुनाते हैं परिजनों ने किस तरह के आरोप लगाए हैं। मीना साकेत, क्या घटना हुई? अब सर वहाँ पे तो हम थे नहीं, हम गए तो उसको ऑटो मिला रहे थे, हमारी मम्मी लोग को फोन लगाए कि आइए आपकी लड़की ज़्यादा सीरियस है, तबीयत खराब हो गई। तुम्हारी मम्मी लोग गई, मम्मी गई, बहन गई मछली वाली, फिर हम लोग बाद में गए तो उसको ऑटो मिला रहे थे, फिर सब बिछिया लेके गए तो बिछिया का डॉक्टर बोला कि ये पहले ही खत्म हो चुकी है। फिर कहें कि ले जाओ 7 नंबर संजय गांधी, यहाँ लेके आए तो चिंगा उंगा लगाए, कहें कि ये मर चुकी है, हो गया सर। इससे आगे हम आप लोग को क्या लग रहा है? हमको लग रहा सर कि मारी है। मारी है। कौन मारा है? अभी सर वहाँ पे तो नहीं थे, लेकिन हम पूरा फैमिली को फंसाने जो मृतक है जो खत्म हो गया, क्या नाम है? पति कुल नटिये दबावत रहा, पति खत्म हुआ है, नाम है अभी फेस। नहीं नहीं नहीं, जो खत्म है उनका नाम क्या है? सुशीला साकेत। कहाँ रहती हैं? बांध चिलौन कॉलोनी के पीछे, राजपाल। क्या घटना हुई? मजदूरी करती है। क्या घटना हुई? भातीजी का मार डाली हमारे। कौन भैया? जब मार के शुरू से शादी भाई, जब से उसका तकलीफ रहा, और जब वो आवे तब तक कहे मौसी हमका मार डरही, चाहे जब भर मार डाले तो कही कि बेटा तोरे दूठे बच्चा है तो का ना मरही, हम हयान तो कहे कि हाँ मौसी हमका मार डरही, कहता ही गए है। आ 3 दिन पहले बाणसागर कॉलोनी आई है बा महतारी के लगे, आ काल या गए परसों गए है हमें नहीं मालूम, पर गया तो काल घटना या पूरी घटना हो गई। अब इसका